एक आवाज दबाएंगे, करोड़ों लाखों आवाजें गूंज उठेगी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। अब इन संगियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमला सीधा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पे किया गया है। इन संगी भाजपाइयों को उम्मीद नहीं थी देश सड़कों पर निकल आएगा इस भारत के युवा को राहुल गांधी को सुनने के। मैं यही कहूंगी, देर नहीं हुई, अभी भी हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। मैं कहती हूँ एक इशारा करिए, इनकी नींव हम वहीं से उखाड़ना शुरू कर देंगे। एक एक नेता जेल जाना शुरू होगा अपनी कथनी के ऊपर। एक एक युवा जो आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, सबको यहाँ से कर्नाटक रवाना कर दीजिएगा। इनकी नींव उखाड़ कर हम दिखाएंगे। इनकी उल्टी गिनती दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य कर्नाटक से होगी, हमें लिख कर दे रही। वो शहीद राजीव गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री युवा रहे, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते हैं। आपको कहूं, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इस तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है। डरेंगे तो नहीं, पीछे हटेंगे तो नहीं। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी पे जब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उनका जेल जाने का समय नजदीक आता जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकल चुकी है। इसी बीच में अलका लम्मा ने मोदी सरकार को एक तरफा घेरते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बाजू कितने सर, गिल्ले दुश्मन ध्यान से हारेगा वो हर बाजी जब निकलेंगे हम जी जान से। कल मैंने युवा कांग्रेस की बहनों को देखा, किस तरीके से पूरे देश में आपने देश की लोकतंत्र और राहुल गांधी जी की आवाज नहीं बंद की। इस देश के संविधान, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो तानाशाह सरकार चल रही है उसके खिलाफ आप एकजुट हुए हैं। आज संसद में कांग्रेस के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी काले वस्त्र पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं। आप सबको मैं कहूंगी, हम सब भी सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी जी जेल भेजे जा सकते हैं, आगे क्या रास्ता है। लेकिन राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं, जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था कि हमारा नेता राहुल गांधी हम सबको आगे क्या लाइन देने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, हम सबको कहा, बताइए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कौन सी संसद के सदस्य थे? ना वो कभी लोकसभा रहे, ना वो राज्यसभा में रहे, ना गवर्नर रहे, ना विधायक रहे, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहे, लेकिन महात्मा गांधी किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी इन अंग्रेजी ताकतों की नींव हिलाकर रखी हुई थी। एक आवाज दबाएंगे, करोड़ों लाखों आवाजें गूंज उठेगी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, जो यहां पर हम देख भी रहे हैं। ये जंग 2024 तक की नहीं है, ये जंग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने की है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को जिंदा रखने की है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की है। हमें नहीं मालूम आगे फैसला क्या आएगा श्री राहुल गांधी जी को लेकर, पर आप इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, इन संगी भाजपाइयों को उम्मीद नहीं थी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश सड़कों पर निकल आएगा इस भारत के युवा को राहुल गांधी को सुनने के लिए। भाजपा वहीं से बौखला गई थी, साजिशें शुरू हो गई थी कि श्री राहुल गांधी जी की आवाज को जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कौन मिले थे उन्हें रास्ते में? उन्हें देश का अन्नदाता किसान मिला था, जो आज भी दिल्ली की दहलीज पर आकर बैठा हुआ है। वो किसान की आय दुगनी करने का वायदा था, उस किसान को कर्ज से निकालने का वायदा था, उस किसान को MSP न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वायदा था, नहीं हुआ। भारत जोड़ो की वो आवाज थी जो संसद में गूंज रही थी। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा राहुल गांधी जी को मिलते हैं, राहुल गांधी जी उनकी आवाज संसद में बन रहे थे। हमारी करोड़ों लाखों बहने जो देश में कभी बलात्कार, शोषण, अत्याचार का शिकार है, श्री राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में मिली। कल आपने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी सुना होगा, बार बार अपमान किया जाता है श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के पिता का। वो मात्र उनके पिता नहीं थे, वो शहीद राजीव गांधी जी ने
देश के प्रधानमंत्री युवा रहे और इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते हैं। कल हमने आंसू देखे प्रियंका गांधी जी की आंखों में कि किस तरीके से उनके भाई का बार बार नाम लेकर उनकी शहादतों को अपमानित किया जाता है। मैं आपको कहूंगी, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं, वो खून नहीं। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को एक और बात कहना चाहती हूँ। कल हम जब राजघाट में बैठे थे, 6 घंटे तक बैठे थे, ये बात आई वहां पर कि हम पर मानहानि के दावे किए जा रहे हैं। जब नेहरू गांधी परिवार का, राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, सोनिया गांधी जी का अपमान किया, तब हम चुप रहे क्यों रहे? हमने तब इन पे मानहानि के दावे क्यों नहीं किए? मैं यही कहूंगी, देर नहीं हुई। अभी भी हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। मैं कहती हूँ एक इशारा करिए, इनकी नींव हम वहीं से उखाड़ना शुरू कर देंगे। एक एक नेता जेल जाना शुरू होगा अपनी कथनी के ऊपर। लेकिन हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, माफ करना जानती है, माफ करती रही, लेकिन अब माफ करने का समय नहीं है। अब इन संघियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमला सीधा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पे किया गया है। एक एक युवा जो आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, सबको यहां से कर्नाटक रवाना कर दीजिएगा। इनकी नींव उखाड़ कर हम दिखाएंगे, इनकी उल्टी गिनती दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य कर्नाटक से होगी। मैं लिख कर दे रही हूं, उखाड़ेंगे इन्हें हम, बिना डरे उखाड़ेंगे। लाठियां हो, जेल जाना हो, फांसी के तख्ते पर ये देश कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है कुर्बानी देने के लिए? कुर्बानी देने के लिए तैयार है? इस्तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है? डरेंगे तो नहीं, पीछे हटेंगे तो नहीं, इस्तानाशाह सत्ता को सबक सिखा कर रहेंगे, इनका अहंकार तोड़ कर रहेंगे। फिर कहूंगी, कितने बाजू कितने सर, उठाइए अपने दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू। और लास्ट में कहूंगी कि कितने बाजू कितने सर, गिल्ले दुश्मन जान कर, गिल्ले दुश्मन जान कर, गिल्ले दुश्मन जान कर, हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जीत जान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी मजबूती और इसी ताकत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। आपने अलका लंबा का ये वीडियो देख लिया, किस तरह से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रही हैं, किस तरह से आरोप लगा रही हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी को जो फायदा पहुंचाया है, जिससे पूरे देश की जनता का नुकसान हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इस देश में, लेकिन मोदी सरकार कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रही है। आप बताइए, इस पूरे मामले पर जो अलका लंबा ने अपनी बात रखी है कि जिस तरह से एक तरफ जहां राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, एक तरफ जहां देख रहे हैं कि उनको नोटिस देके तमाम जगह से उसको घर खाली कराया जा रहा है, अब तो एक खबर ऐसी भी आ रही है कि उनकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। अब आप बताइए, जहां पर उनका घर खाली कराया जा रहा है, दूसरी तरफ उनकी कार भी जब्त की जा रही है, अब दूसरी तरफ एक मुहिम छिड़ गई है कि राहुल गांधी के पास घर नहीं है, तो सारे कांग्रेसी राहुल गांधी को घर देने में जुट गए। इसमें एक महिला का भी नाम सुना होगा आपने, राजकुमारी गुप्ता नाम है, उन्होंने अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया। आप ये सब चीजें जानते हैं कि ये आज देश में जो चल रहा है वो कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, तब यही इसी तरह के काम भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, लेकिन अब 2024 का चुनाव नजदीक है तो यही काम कहीं हटकर कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की वापसी हो पाएगी या नहीं, यह तो देखने को होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरे दम और खम के साथ सड़कों पर निकल चुकी है, तो कभी देखते हैं कि मसाल यात्रा, तो कभी देखते हैं यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, तो कभी देखते हैं काले कपड़े पहन के संसद जाते हुए कांग्रेस के या विपक्ष के नेता सड़कों पर नजर आते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप HNP न्यूज टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबा के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम,
धन्यवाद।